क्लास 11 का प्रैक्टिस पेपर है और आप लोगों ने इसको पेपर से पहले पहले लाजमी एक दफ़ा अटैम्प्ट करना है, तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। सेपरेट इनटू रियल एंड बाइनरी पार्ट, 2-7 एयोटा और 4+5 एयोटा। फैक्टराइज करना है 3x² और 3y² को, सिंप्लीफाई करना है 2.6, 3.7, ये आयोटा की फॉर्म में लिख कर इनको मल्टीप्लाई करवाना है। आपको लेट ए दिया हुआ है, आपने इसके रिलेशन निकालने हैं एक्स प्लस वाई सच डेट एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन 5। ये तमाम रिलेशन निकाल कर आपने वो ढूंढने जिनमें एक्स और वाई को जमा करके लेस देन 5 आए। इसके बाद व्हाट आर इन्वर्स एंड कन्वर्स ऑफ दिस, इसका इन्वर्स और कन्वर्स निकालना है, इस मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिटरमिनेंट लेकर आपको। फाइंड द कंडीशन डेट वन रूट ऑफ दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, इवेलुएट करना है इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवा के। सॉल्व द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी वेयर ए बी आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, आपने ए की वैल्यू दी हुई है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए और बी निकालना है अपने वेरिएबल्स हैं। विच टर्म ऑफ ए पी इज दिस, ए पी की कौन सी टर्म पे ये आएगा। इंसर्ट 3 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 16, राइट इन फैक्टोरियल फॉर्म, इसे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन एन पी 4n-1p3 इक्वल टू 3:9:1। इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड b, फाइंड b। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ सिक्स साइडेड फिगर, 3 इज क्यूब रूट ऑफ 30, करेक्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, इसको एक्सपेंशन लगाकर। फाइंड बाय एक्सपेंड बाय बायनोमियल थ्योरम, रिजॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विदाउट फाइंडिंग द कांस्टेंट, 1/a, 1/b, 1/c आर इन जीपी, शो दैट द कॉमन रेशो इज +/√a/6, चेक वेदर इज ट्रू फॉर दिस वन और नॉट। ये 8.1 में से आया हुआ है। इसके बाद है आपके पास आइडेंटिटी लगाकर 9 चैप्टर की फार्मूला कैलकुलेट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 105 डिग्री टेकिंग दिस, ये हिंट भी दी हुई आपको। साइन 8x प्लस साइन 2x कॉस 8x कॉस 2x इक्वल टू टैन 5x। फाइंड द पीरियड ऑफ टैन 4x, ये आर या गैमा दिया हुआ है, s-c टैन गैमा बाई 2। ट्राइंगल ए बी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, कैपिटल बी बीटा होगा, आपने इसको स्मॉल बी कैलकुलेट करना है। स्मॉल बी ये बीटा एंगल आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है तो आपके जारी बात है गैमा या अल्फा निकालना होगा, अल्फा भी निकालना है गैमा भी निकालना है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, सॉल्व दिस वन, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41 और क्वाड्रेंट है 4। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके पास। ए दिया हुआ है, आपने ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स लेना है। सॉल्व द सिस्टम, ये सिस्टम सॉल्व करना है, दोनों में एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके बाद इसे पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सपेंड करना है, इसमें ज्योमेट्रिक मीन के बराबर रखकर सॉल्व करना है। इसमें आपने प्रूफ करना है 7.3 का सवाल है ये। इफ एक्स इज सो स्मॉल डेट हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड एंड शो डेट दिस इक्वल टू दिस वन, ये 8.2 का है। टू सिटीज लाइज एट द इक्वेटर, अच्छा ये 12 चैप्टर में से है, देन इसका प्रूफ करना है आपने फार्मूले का। और लास्ट में 13 चैप्टर से रिलेटेड एक ये है 12.7 में और ये है 13 चैप्टर में 13.2 में। तो आप इसके ज़रिए भी देख सकते हैं कि आपकी स्कीम फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही और किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपके पास एक प्रैक्टिस पेपर था फर्स्ट ईयर मैथ का।